तो फाइनली गाइस कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे हम कुछ इस टाइप से फोटो एडिटिंग करने वाले हैं ब्लैक टून। तो कुछ इस टाइप से आप लोग कैसे कर सकते हैं, तो चलिए बिना देरी के यहीं से वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। एंड बी फोर एंड पर में मेरा फोटो देख सकते हैं एंड इसी फोटो ले चलना है स्नैपसीड एप्लीकेशन के अंदर। तो देख सकते हैं आ चुके हैं स्नैपसीड एप्लीकेशन के अंदर। तो यहाँ से टूल्स वाला ऑप्शन दिखा रहे हो नीचे के साइड में, टूल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। टूल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करके सेलेक्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है एंड इसको सेलेक्ट करके थोड़ा ब्राइटनेस हम लोग को दे देना है। जैसे ब्राइटनेस बढ़ाने के बाद फिर से हमको करना क्या होगा, तो यहाँ टूल्स वाला ऑप्शन दिखा रहे हैं, टूल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करके एंड डिटेल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करके साइब्रेंस को बढ़ा देना होगा। एंड साइब्रेंस को बढ़ा लेने के बाद फिर से हमको करना क्या होगा, तो यहाँ डन वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। एंड डन वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, यहाँ से फिर से हमको टूल्स वाला आइकन पर क्लिक करना है। एंड टूल्स वाले आइकन पर क्लिक करते हैं, यहाँ से ट्यूनिंग इमेज वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। ट्यूनिंग इमेज वाली ऑप्शन पर क्लिक करके इसकी सैचुरेशन को बढ़ाना है एंड एम्बियंस को बढ़ा देना है। एंड एम्बियंस को बढ़ाकर देख सकते हम लोग का येलो टून में फोटो एडिटिंग हो चुका है। तो यहाँ डन कर देना होगा एकदम। यहाँ डन करने के बाद फिर से हमको करना क्या होगा, तो यहाँ टूल्स वाला ऑप्शन पे दिखाई देगा, टूल्स वाले आइकन पे क्लिक कर लेना होगा। टूल्स वाले आइकन पे क्लिक करके यहाँ से HDR पे क्लिक कर लेना होगा। HDR पे क्लिक करते ही हम लोग इसको पूरा करना क्या होगा, तो हमको इसको 12% रख कर फिर से हमको इसकी सेटिंग में जाना है एंड इसको भी हम लोग को कुछ 19% रख कर यहाँ से कोने में डन वाला ऑप्शन दिखाई देगा, डन वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। डन वाले ऑप्शन पर क्लिक करते ही फिर से हमको टूल्स वाला आइकन पर क्लिक करना है। टूल्स वाले आइकन पर क्लिक करते ही टोटल कंट्रास्ट का ऑप्शन दिखाएगा, टोटल कंट्रास्ट के ऊपर क्लिक कर लेना होगा एंड टोटल कंट्रास्ट के ऊपर क्लिक करते ही एंड इसको बढ़ा देना है एंड इसको पूरा कम कर देना है। तो इतना सब होने के बाद फिर से हमको करना क्या होगा, तो एंड डन वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। एंड ऐसा तो हो चुका है स्नैपसीड एप्लीकेशन के अंदर हम लोग का फोटो एडिटिंग। तो सबसे पहले यहाँ शेयर वाला ऑप्शन पर ऊपर वाली साइड में शेयर वाला ऑप्शन दिखाएगा, शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। हाँ तो देख सकते हो चुके हैं हम लोग का फोटो से, इस फोटो डायरेक्ट ले चलते हैं लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर। हाँ तो गाइस देख सकते आ चुके लाइटरूम में स्क्रीन के ऊपर। तो सबसे पहले हमको करना क्या हुआ, तो 3 लाइन वाला फोटो ले लेना है एंड इसका प्रीसेट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप लोग जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले करना क्या हुआ, तो यहाँ 3 लाइन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। 3 लाइन वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, कॉपी सेटिंग कर देना होगा एंड कॉपी सेटिंग इसका कर लेते हैं। एंड यहाँ से डन करने के बाद यहाँ से करना क्या होगा, यहाँ बैक आना है, बैक आने के बाद फिर से ओरिजिनल फोटो के ऊपर चलना है। तो ओरिजिनल फोटो के ऊपर जाने के बाद फिर से हमको 3 लाइन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। 3 लाइन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से पेस्ट सेटिंग कर देना होगा। लेकिन तभी हम लोग का फोटो कितना हाई क्वालिटी HDR वाइट में हो चुका है। सबसे पहले हमको करना क्या होगा, एंड इधर से स्क्रॉल करके इधर आना है। जैसे स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ से कलर्स वाला ऑप्शन दिखाएगा, कलर्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करते ही यहाँ से मिक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। मिक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करके एंड फर्स्ट वाला कलर सेलेक्ट करके इसकी सैचुरेशन कम करना है एंड लुमिनेंस को कम कर देना है। तो इंडेक्स हो चुका है हम लोग का इसमें फोटो एडिटिंग। सबसे पहले हमको करना क्या होगा, शेयर वाला आइकन पर क्लिक करना है, शेयर वाले आइकन पर क्लिक कर लेते हैं। हाँ तो देख सकते हो चुके हैं हम लोग का शेयर, तो इस फोटो वाले चले डायरेक्ट फोटो टेक स्केच बुक अप्लीकेशन के अंदर। तो सबसे पहले हमको करना क्या होगा, तो यहाँ से लेयर बनाया है, इस लेयर को पहले डिलीट कर लेंगे। तो देख सकते आ चुके फोटो टेक स्केच बुक अप्लीकेशन के अंदर। तो हमको करना क्या है, फिर से हमको स्क्रॉल करके लाइब्रेरी वाला ऑप्शन में आना है। लाइब्रेरी वाला ऑप्शन में आने के बाद फिर से हमको करना क्या होगा, तो ये वाला ब्रश सेलेक्ट कर लेना होगा। ये वाला ब्रश सेलेक्ट कर लेने के बाद फिर से हमको करना क्या होगा, तो यहाँ से इसकी साइज को बढ़ा लेना है एंड अपने फेस के ऊपर अप्लाई कर देना है एंड वीडियो डाल लंबा है इसलिए इस वीडियो कर लेते हैं फास्ट। तो सो फाइनली देख सकते कितना तारा हम लोग का फेस स्मूथ हुआ है। तो ऐसा है कि आप लोग वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन करें। चलिए मिलिए नेक्स्ट वीडियो में।